चीनी ड्रैगन ने भूटान की जमीन पर एक नहीं बल्कि चार गांव बना लिए हैं। ये गांव डोकलाम के पास है, जहां से भारत का चिकन नेक गुजरता है। डोकलाम में सड़क बनाने पर भारत और चीन की सेना के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद भारत के सख्त रुख के बाद चीन पीछे हट गया था, लेकिन बाद में उसने डोकलाम में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने साल 2020 से 21 के बीच में डोकलाम के पास ये गांव भूटान और चीन के बीच विवादित इलाके में बनाए हैं। जानकारी के मुताबिक चीन ने डोकलाम के पास भूटान के साथ उसके विवादित इलाके में साल 2020 से 21 के बीच में निर्माण कार्य किया है। चीन के नए गांव 100 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। वहीं सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन और भूटान के बीच नए समझौते का हिस्सा है, या चीन ने भूटान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीन ने चार गांव बनाए हैं। वहीं कुछ अन्य रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी गांव की संख्या चार से ज्यादा है। यही नहीं, चीन ने यहां पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को भी तैनात कर दिया है। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है। अब ऐसे चीन के गांव बनाने से कई तरीके के सवाल सामरिक हलके में उठ रहे हैं। भारत ही भूटान को विदेशी मामलों पर सलाह देता रहा है और भूटानी सेना को प्रशिक्षण देता है। चीन लगातार भूटान पर दबाव डाल रहा है कि वो जमीनी सीमा पर फिर से चर्चा करे। यही नहीं, इससे भारत की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। ये पूरा इलाका भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित है, जिसके बाद चीन की निगाहें भारत के चिकन नेक पर गड़ी हुई हैं और इसके कई कारण हैं। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच इसे बेहद खास बनाती है। पश्चिम बंगाल में स्थित गलियारा 7 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है और उत्तर प्रदेश हिस्से को बाकी भारत से जोड़ता है। यह न केवल एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। आपको बता दें कि यह क्षेत्र कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुंबी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। वहीं इस घाटी के सिरे पर भारत, नेपाल और भूटान का ट्रांजेक्शन स्थित है, जिसे डोकलाम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो अब एक गतिरोध बिंदु बन गया है। माउंट कंचनजंगा जैसे हिमालय पर्वत, तिस्ता और जलदाखा जैसी प्रमुख नदियों का जनक है। वहीं ये नदियां बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। आपको बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 50 मिलियन लोगों की आबादी है और ज्यादातर नेपाली और बंगाली अप्रवासी पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों और शेष भारत के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनके बीच एकमात्र रेलवे फ्रेट लाइन भी होस्ट करता है। दार्जिलिंग की चाय और इमारती लकड़ी इस क्षेत्र के महत्व को और बढ़ा देती है। वहीं LSC के पास सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इस कॉरिडोर के जरिए ही उन्हें सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति की जाती है। जानकारी के मुताबिक ये भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में एशियन देशों के बीच संपर्क का सुगम बनाकर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। ये गलियारा पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध घुसपैठ, सीमा पार आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया गोल्डन ट्रायंगल के लिए कुख्यात है, जिससे जुड़े म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी प्रचलित है।